आज बिग बॉस 14 का फिनाले है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि घर के अंदर टॉप 5 में से अब सिर्फ टॉप 3 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं, जिसमें राहुल, निक्की और रुबीना हैं। क्योंकि राखी सावंत 14 लाख रुपए लेकर घर से बाहर चली गई हैं, तो अली गोनी को घर से कम वोट्स की वजह से एविक्ट कर दिया गया है, जिसको मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि अली गोनी को निक्की तंबोली से भी कम वोट्स मिले हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अली गोनी को निक्की से कम वोट्स मिले हैं, और क्या पता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या पता किसी ट्विस्ट की वजह से मेकर्स ने अली गोनी को घर से एविक्ट कर दिया है, जिस वजह से हमें टॉप 3 में निक्की तंबोली, राहुल वैद्य और रुबीना दिलेख देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ हम आपके लिए एक और अपडेट लेकर आए हैं कि घर से एक और सदस्य एविक्ट हो चुका है। जी हाँ, अली गोनी के बाद एक और सदस्य घर से एविक्ट हो चुका है, और इस सदस्य कोई और नहीं निक्की तंबोली है। निक्की तंबोली के घर से एविक्ट होने के बाद अब घर के अंदर दो ही सदस्य रहते हैं, जो है राहुल वैद्य और रुबीना दिलेख। वहीं अब इन दोनों में से कौन इस सीज़न का विनर होगा, इसको लेकर लाइव वोटिंग्स की जाएगी, और ये लाइव वोटिंग्स सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की ही होगी। वहीं अब आप राहुल वैद्य को वोट देंगे या फिर रुबीना दिलेख को, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अली गोनी का टॉप 3 तक भी ना आना काफ़ी बड़ा झटका है सभी अली गोनी फैंस, जैस्मिन फैंस और जसली फैंस के लिए। वहीं आपको क्या लगता है, लाइव वोटिंग्स की बेस पर राहुल वैद्य और रुबीना दिलेख में से कौन इस सीज़न का विनर बन सकता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सीज़न का जो भी विनर होगा उसके बारे में हम आपको खबर मिलते ही अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।